अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ टिन वाला, यानी कि जो कैन में आता है वो वाला साग बना रही हूँ। ये स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जी मैंने लिया है कैन 800 ग्राम, ये मिचल्स का है। ये कैन लिया है मैंने साग का। और इसके बाद मैंने लिया हाफ कप होल व्हीट आटा और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून का क्रश चिली, 1 टीस्पून क्रश कोरिएंडर और 4 से 5 सब्ज़ मिर्च। आप नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप लिख सकते हैं। और एक मैंने इसका स्लाइस लिया था बड़ा सा अदरक का, उसे जूलियन में काट लिया है। और ऑयल लिया मैंने 3 टेबलस्पून और बटर लिया 50 ग्राम। पैन में पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि बटर जल ना जाए। अगर हम सिर्फ बटर लेंगे तो वो जल जाएगा। अब इसके साथ मैं बटर डाल रही हूँ इसमें और अब हम इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर मेल्ट हो गया तो अब हम इसमें जो अदरक काटा हुआ है हमने बारीक वो डाल देंगे। मैंने अदरक थोड़ा सा ज़्यादा डाला है क्योंकि अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है साग में। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितना भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें जो सब्ज़ मिर्च हैं वो मैंने डाली हैं। हमारी वाली बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं तो मैंने सिर्फ 3 से 4 ली थी। और ये क्रश चिली और क्रश कोरिएंडर है। उसके बाद ये लाल मिर्च का पाउडर है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा जो हमने मसाला बनाया वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब हम इसमें ये टिन खोलेंगे। और बी केयरफुल, क्योंकि ये आप अपना हाथ बचा के खोलिए क्योंकि इसके फ्लिप बहुत तेज़ होता है। अब हमने ये जो इसका तड़का बनाया हम इसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच को साथ साथ हिलाते जाना है ताकि जो साग में अच्छी तरह से तमाम जो हमने इसमें स्पाइसेस और सब मिक्स किया वो अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें आटा डालेंगे। आटा हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे और इसको साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको साथ साथ मिक्स नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर इसमें लम्प से बन जाएंगे। तो इसीलिए हम इसको साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। और अब फिर हम इसमें थोड़ा सा आटा मिक्स करेंगे और ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते जाएंगे आटा और इसको मिक्स करते जाएंगे। आटा डालने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी इसका टेक्सचर बन जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। सेम जैसे हम दूसरा फ्रेश साग बनाते हैं, सेम इसका वही टेस्ट आएगा। ये देखें कितना अच्छे से बन गया। उम्मीद है कि आपको मेरी ये साग की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक तंदूर के नान या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। और इसके ऊपर आप बटर भी ऊपर ऐड करूँगी अभी मैं। अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।